फाइनली बिग बॉस सीजन 14 का सफर खत्म हुआ है और इस सफर के साथ में हमें मिली है रुबीना द लेक जो कि बिग बॉस सीजन 14 को जीत चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ना तो मैं आपको रुबीना के बारे में बताने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर बताने के लिए आई हूँ आपको कि इस समय विनर से ज्यादा रनर अप क्यों ट्रेंड कर रहा है। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ राहुल वैद्य की। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भले ही हर ट्रेंड में नंबर 1 पर रुबीना द लेक रही हो, लेकिन इस समय राहुल वैद्य 212 ट्वीट्स के साथ में ट्रेंड कर रहे हैं दूसरे नंबर पर। प्राउड ऑफ राहुल वैद्य, जी हाँ, इस नाम से वो ट्रेंड कर रहे हैं। और क्योंकि हर किसी ने ये बात मानकर चली थी कि राहुल वैद्य जो है बिग बॉस सीजन 14 को जीत सकते हैं, और अगर कहा जाए तगड़ा कंपटीशन तो वो राहुल वैद्य और रुबीना द लेक के बीच में था। राहुल वैद्य ने अपनी एक और नई पहचान बनाई, एक और नई साइड दिखाई जो कि हर किसी को पसंद भी आई है। सो गाइज, देखिए रुबीना द लेक में ये नहीं कहूंगी शी इज नॉट नॉन डिजर्विंग, तो नहीं है, शी इज ऑल्सो डिजर्विंग। आगे शायद से आज की डेट में देखो ये ना, जब भी दो फाइनलिस्ट चुन जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये दिल उन लोगों का दुखता ही दुखता है जिनके फेवरेट कंटेस्टेंट को ट्रॉफी नहीं मिलती। एंड शायद से रुबीना की जगह राहुल को मिलती तो आज शायद से ये बात आपको रुबीना के बारे में कह रही होती। लेकिन आप लोग हमें बताइए, दोनों ही विनर हैं, राहुल वैद्य भी विनर है, रुबीना द लेक भी विनर है। आप लोग बताइए अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में, क्या आप भी इस ट्रेंड का हिस्सा है? वेल, राय बताइए कॉमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे टेलीविजन और बॉलीवुड के सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।